बाड़मेर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे के उस पार इंसान रहते हैं, लेकिन वहाँ के हालात देखें तो लगता है कि क्या सच में ये लोग इंसानों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। दरअसल बीती दिनों से सीवरेज का गंदा पानी भरा रहने से लोगों का घर से बाहर तक निकलना मुश्किल है। हर तरफ गंदे पानी से घिरे लोगों का जीना अब दुश्वार हो चुका है। राजवेस्ट कॉलोनी के आगे सीवरेज के गंदे पानी से कई मकान घिरे होने से लोगों को घरों से बाहर निकलने और घर में जाने की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। मोहल्ले में करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी तरह हाईवे के पीछे के इलाके में करीब 40 से अधिक कच्चे और पक्के मकान गंदे पानी से घिरे हुए हैं। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यह पानी विष्णुनगर इलाके में कई घरों में घुस चुका है, जिससे कई लोग तो घरों को छोड़ अपने गांव की तरफ चले गए हैं। यह पिछले कई दिनों से लोग गंदे पानी की बदबू, कीचड़, मच्छरों से परेशानी में हैं। नगर परिषद क्षेत्र का सारा सीवरेज का गंदा पानी इन दलित परिवारों के घरों को घेरे हुए हैं। लोग आ जा नहीं सकते और बामुश्किल यहाँ पर जीवन यापन कर पा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के द्वारा आज दिन तक इन परिवारों की सुध नहीं ली गई है। यहाँ पर रहने वाले काफ़ी लोग स्कूली छात्र हैं। तगाराम और उनके सहपाठी बताते हैं कि वो यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हालात काफ़ी नासाज हैं। यह है कि नाले की काफ़ी पुरानी समस्या है। कई बार इनको एप्लीकेशन दे दिया, अवगत करवा दिया, पर आ नहीं रहे हैं। और ये नाला अभी चौक हो गया है तो पूरा पानी इधर फैल गया है और आने जाने में दिक्कत हो रही है। पानी का टाँका भी है, वो भी चारों ओर से पानी से गिर गया है। हाँ बिल्कुल चला गया है। कई बार एप्लीकेशन दे रखे और कई बार फ़ोन करते हैं, वो आ नहीं रहे हैं और कहते हैं कि अभी आ जाएंगे, पर आते नहीं। ये समस्या तो लगभग 4-5 साल हो गए। तो अब आप इस रूम में रहते हो, पढ़ाई करते हो, अब आपकी क्या स्थिति? अब बहुत ख़तरनाक स्थिति है। अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से पहले कर रहे थे। पहले एक बार हुई थी, हमने अपने स्तर पर भी साफ करवाया, फिर अब ये स्थिति दोबारा हो गई ऐसी। अब खिड़की से निकलना ये मजबूरी हो गई है। अब हो सकता है टाइम मिलेगा तो पास में किसी और रूम में जाकर पढ़ाई करेंगे, रात को फिर यहाँ आकर के रहेंगे। अब इधर से आना जाना बहुत ही मुश्किल है। ये वैसे तो 2 साल से चल रही है समस्या और इसका कोई समाधान हो नहीं रहा है। इस समस्या की वजह से हमें 1 महीने बस 2-3 बार हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है कि बीमारी फैल रही है। जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई समाधान हो नहीं रहा है। तो आने और आने का ही रास्ता है खिड़की से, वहाँ कोई रास्ता नहीं। प्रॉब्लम तो बस पूरा बंद है, आने जाने कोई समस्या नहीं, साधन ला नहीं सकते, खेलने कोई समस्या नहीं, बस वो बंद हो गया पूरा सारा। दी है सूचना लेकिन बस कोई इसकी समस्या समाधान हो ही नहीं रहा है। तो आज भी आपने फ़ोन किया इसको लेकर? बिल्कुल। वो क्या कह रहे हैं? क्या देखेंगे, आश्वासन दिया बस। समस्या से प्रभावित हम 15 जने तो हैं यही। यहाँ के छात्र कई दिनों से काफ़ी दिक्कतों में जी रहे हैं। बाड़मेर शहर भर का गंदा सीवरेज का पानी इन परिवारों को परेशान किए हुए हैं। तो यह परिवार सवाल पूछते हुए नज़र आते हैं कि इसमें उनका क्या गुनाह है जिसका खामियाजा बेवजह प्रशासन और नगर परिषद उनसे वसूल रही हैं।